हेलो एवरीवन। तो हम लोग CUET जो है आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, स्पेशली PG का कट ऑफ देखेंगे, सारे सब्जेक्ट का, स्पेशली फॉर BHU कितना था पिछले साल और इस बार क्या एक्सपेक्टेड होगा। तो आप लोग, ये डिटेल वीडियो एनालिसिस होगी, आप सभी लोग जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। तो पहला जो सब्जेक्ट है, हम लोग उसको देख रहे हैं LLM के लिए, ठीक है। अब LLM के लिए जो आपका जनरल कैटेगरी में कितना मार्क्स गया था, तो हाईएस्ट मार्क्स जो है आपका 386, ठीक है। 386 मार्क्स जो है आपके उसमें फर्स्ट रैंक थी, और फिर आपका 289 पे जो है फोर्थ रैंक थी, इस पे आपके काउंसलिंग कॉल गई थी। OBC की बात कर लेते हैं तो 351 पर फर्स्ट रैंक थी और 291 पे टेंथ रैंक थी। ओके, SC की बात कर लेते हैं तो 313 पे जो है फर्स्ट रैंक थी। ओके, और जो है BHU जर्नल की बात कर लेते हैं तो 367 पे फर्स्ट रैंक और 289 पे 18th रैंक थी, ठीक है। ये जितने भी रैंकिंग है, इसमें सारे लोगों को कॉल गया है काउंसलिंग के लिए, क्लियर। तो याद रखना कि सीट्स के अकॉर्डिंग है, और जो है जो टॉप पहले जिनका मार्क्स होता है उसके बाद कॉल जाती है। फिर नेक्स्ट टाइम जब ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए था, और सेकंड बात कर लेते, जब सेकंड लिस्ट आया तो उसमें 287 पे 52 रैंक थी, कॉल गया था। 272 पे 102 रैंक थी, इस पर भी कॉल गया है। नेक्स्ट वाले में 286 पे 11th रैंक थी, उस पर भी कॉल गया है। 273 पे 22nd रैंक थी, इस पर भी आपकी काउंसलिंग कॉल गई है, ठीक है। तो ये आपकी सेकेंड लिस्ट है जिस पे कि आपके LLM में काउंसलिंग कॉल गई है। और भी सब्जेक्ट का आप लोग देख लेते हैं। MN हिंदी की बात कर लेते हैं तो जनरल कैटेगरी मेल एंड फीमेल बोथ के लिए जो फर्स्ट रैंक होल्डर था उसका 447 मार्क्स था पिछले साल, और इस पे आपकी काउंसलिंग कॉल गई थी। और जिसका 250 मार्क्स था उसका 446 जो है रैंक थी, उस पर भी आपकी काउंसलिंग कॉल गई थी, बट अफिलिएटेड के लिए, क्लियर। तो बहुत ज़्यादा हाईएस्ट आपका कट ऑफ गया था हिंदी में। और OBC के लिए देख लेते तो 440 मतलब 440 पे ही फर्स्ट रैंक था, क्लियर। और 250 तक जो है काउंसलिंग कॉल भेजा गया है OBC में हिंदी में, ये MA हिंदी का है। और 194 मार्क्स जो है इसमें, सॉरी रैंक आपकी थी। अब बात कर लेते हैं SC की, तो SC में 420 पे फर्स्ट रैंक और 252 पे 25 रैंक थी, इस पे आपकी काउंसलिंग कॉल गई थी इसके बीच तक। और 406 पे आपके ST कैटेगरी में फर्स्ट रैंक थी और 252 पे फिफ्थ रैंक, इस पे भी आपकी काउंसलिंग कॉल गई थी। ये जो है आपकी इम्पॉर्टेंट है, और काफ़ी देखिए कट ऑफ भी बहुत हाई गया हुआ है। और आपके BHU जनरल रैंक की बात कर लेते हैं OBC की, तो 447 फर्स्ट रैंक और आपके 250 119 रैंक, और आपके OBC में 440 पे फर्स्ट रैंक एंड 259 पे आपका 49th रैंक। ये आपके BHU OBC का है। BHU SC का रैंक देख लेते हैं तो 414 पे फर्स्ट रैंक, 257 पे 8th रैंक, इस पे भी काउंसलिंग कॉल गई थी। और 406 मार्क्स, याद रखिए कि जो ब्रैकेट में मार्क्स मार्क्स है और बाहर आपकी रैंकिंग है, तो इस पे भी आपके ST रैंक में जो है काउंसलिंग कॉल गई है। तो ये जो है आपकी बेसिकली हिंदी का है। और हम आगे दूसरे सब्जेक्ट का भी जान लेते हैं। MA पॉलिटिकल साइंस मेल एंड फीमेल 2021 का है कट ऑफ, वो देख लेते हैं BHU के लिए। तो 411 पर जो है फर्स्ट रैंक थी, काउंसलिंग कॉल गई है। 279 पे भी काउंसलिंग कॉल गई है, बट ये अफिलिएटेड में ज़्यादा चांसेस था इसका। तो ये जनरल रैंक की बात कर लेते हैं, ये MA इन पॉलिटिकल साइंस है। OBC में देख लेते तो 375 पे फर्स्ट रैंक था OBC में, काउंसलिंग कॉल गई है। और कहाँ तक OBC में कॉल गया है, 279 मार्क्स तक जो है आपका काउंसलिंग कॉल गया है, और इसमें जो है आपका 68 रैंक था, ठीक है। SC की बात कर लेते हैं तो SC में आपका 345 मार्क्स पे फर्स्ट रैंक थी और आपके 283 मार्क्स पे 8th रैंक थी, यहाँ तक आपकी काउंसलिंग कॉल गई है। ओके, और ये BHU जर्नल, BHU OBC और BHU ST है, इसमें आप देख सकते हो मार्क्स। और EWS की बात कर लेते हैं तो 365 पे सेकंड रैंक और 291 तक के लिए काउंसलिंग कॉल जो है आपकी गई है। तो ये आपका MA इन पॉलिटिकल साइंस का है। अब दूसरे और सब्जेक्ट का जान लेते हैं। MA इन सोशियोलॉजी का देख लेते हैं। MA इन सोशियोलॉजी में आपका जो
कट ऑफ गया है फर्स्ट रैंक का 345 है फर्स्ट रैंक, 160 पे तक जो है कॉल किया गया है और इसमें 360 पर। यहाँ पर याद रखना कि अफिलिएटेड कॉलेज के लिए जो आपके सबसे लोएस्ट मार्क है 160, तो उस पर ज़्यादा चांसेस रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं ओबीसी में, तो 342 पे फर्स्ट रैंक ओबीसी में और 160 पे 120 इस पे तक कॉल गई है। और एससी की बात कर लेते हैं तो 300 आपका फर्स्ट रैंक और 160 22nd रैंक है ना, तो ये एससी के लिए यहाँ तक कॉल गई है। एसटी की बात कर लेते हैं तो 305 पे फर्स्ट रैंक और आपका 170 पे 7th रैंक तक जो है आपके काउंसलिंग कॉल भेजा गया है। अब बात कर लेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 305 पे सेकेंड रैंक यहाँ पर कॉल गई है। 161 तक जो है 51 रैंक तक जो है आपके कॉल भेजा गया है काउंसलिंग कॉल फॉर, ये आपके एम ए इन सोशोलॉजी का है। ठीक है, याद रखना कि एम ए इन सोशोलॉजी का मैंने अभी ये बता दिया, क्लियर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कट ऑफ और सब्जेक्ट का। अगर हम एम एड की बात करें, एम एड का जो आपका पी एच यू का एम एड का कितना जो है आपका कट ऑफ गया था, तो उसकी भी कट ऑफ की लिस्ट देख लेते हैं। तो याद रखना कि 337 पे आपकी फर्स्ट रैंक थी इन जनरल रैंक और 213 तक जो है बुलाया गया था ये 444 पर। याद रखना कि बहुत कम सीट है तो इस रैंक का तो मुश्किल ही हुआ होगा, हुआ नहीं होगा। ओबीसी की बात कर लेते हैं तो 321 पे फर्स्ट रैंक थी यहाँ पर हो गया होगा और 213 पे 198 रैंक थी। ठीक है, ये आपके यहाँ तक जो है काउंसलिंग कॉल भेजा गया था। ओके, एससी की बात कर लेते हैं तो 295 पे फर्स्ट रैंक और आपके 213 पे 31 रैंक थी यहाँ पर आपके काउंसलिंग कॉल भेजा गया था। 280 पे फर्स्ट रैंक एंड 223 पे 6th रैंक थी आपके एसटी कैटेगरी में, यहाँ पर भी काउंसलिंग कॉल भेजा गया था। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो 290 पे जो है थर्ड रैंक थी और 219 पे आपका 78 रैंक था, तो ये भी काउंसलिंग कॉल भेजा गया। तो दिस कट ऑफ इज़ फॉर एम एड है ना, ये आपके एम एड का कट ऑफ है 2021 का। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं एम इन हिस्ट्री का, देख लेते हैं कट ऑफ फॉर बी एच यू कितना था पिछले साल। तो अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में 356 पे फर्स्ट रैंक और आपका 170 तक कॉल किया गया है, बट यहाँ पर अफिलिएटेड जो नीचे वाला है वो अफिलिएटेड के लिए हुआ होगा। और 329 पे फर्स्ट रैंक ओबीसी कैटेगरी के लिए और 170 जो है ओबीसी कैटेगरी में 211 रैंक थी। ओके, एससी की बात कर लेते हैं तो 280 पे फर्स्ट रैंक एससी कैटेगरी में, 170 34th रैंक आपके एससी कैटेगरी में काउंसलिंग कॉल गई थी। और बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की, तो 350 पर फर्स्ट रैंक एंड 172 पे 13th रैंक इस पे जो है काउंसलिंग कॉल भेजा गया था। अब बात करेंगे आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो है एमए हिस्ट्री, तो एम एस ट्री में कितना ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में था, तो 356 पे फर्स्ट रैंक कंफर्म है ये सीट हुआ होगा और 170 पे 88th रैंक, तो ये जो है आपके एम ए इन हिस्ट्री का है। ठीक है, और सब्जेक्ट का देख लेते हैं। अगर हम एम ए संस्कृत की बात करें, संस्कृत का कट ऑफ कितना गया था आपके बी एच यू में पिछले साल, तो यहाँ पर जो है हम मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी और मतलब आपके जनरल ओ बी सी और एस सी एस टी सबका देखेंगे। तो आप बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी की, तो 456 मार्क्स फर्स्ट रैंक था, कंफर्म सीट है ये, और 257 160 यहाँ पर कॉल भेजा गया था पर शायद उनका पेड सीट में हुआ होगा। ओबीसी में देख लेते हैं तो 430 फर्स्ट रैंक कंफर्म सीट एंड 257 33 रैंक पे गया होगा। 410 जो है फर्स्ट रैंक एंड 270 जो है 11th रैंक पे जो है आपके यहाँ पर एससी कैटेगरी में भेजा गया है। ठीक है, और एसटी कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो 286 रैंक, ओके, और 286 मार्क्स और फर्स्ट रैंक पे जो है एससी कैटेगरी में कॉल भेजा गया था एंड 282 पे सेकंड रैंक यहाँ पर भी आपकी काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 456 पे फर्स्ट रैंक एंड 259 पे 60 रैंक पे जो है काउंसलिंग कॉल भेजा गया था, तो ये आपका संस्कृत के लिए है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एम ए एम एस सी ज्योग्राफी की, तो एम ए एम एस सी ज्योग्राफी में कितना जो है पिछले साल कट ऑफ गया था, तो देख लेते हैं। तो 387 पे फर्स्ट रैंक थी, 277 पे 100 रैंक इस पे कॉल किया गया था। ओबीसी में देख लेते हैं तो ओबीसी में हमारा 351 पे फर्स्ट रैंक था और आपका 277 पे जो है आपका 31st रैंक था, तो इसमें भी आपकी काउंसलिंग कॉल गई थी। पर याद रखना कि कैंपस में सीट है और एक अफिलेटेड में, तो थोड़ा सा जो लो मार्क्स वाले हैं उनका जो है कम चांसेस रहा होगा।
एससी की बात करेंगे तो 355 पे फर्स्ट रैंक, इस पर काउंसलिंग कॉल गई थी। 278 पे एथ रैंक, इस पर जो है काउंसलिंग कॉल भेजा गया था। अब एसटी की बात कर लेते तो 285 पे फर्स्ट रैंक, एंड 285 पे फर्स्ट रैंक है तो यहाँ पर जो है काउंसलिंग कॉल भेजा गया था। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कितने पे काउंसलिंग कॉल भेजा गया था, 296 नंबर पे और 280 मार्क्स पे जो है आपका काउंसलिंग कॉल भेजा था, जिसमें कि रैंक क्या थी, फिफ्थ और फिफ्थ टू एलेवन। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके एम ए एम एस सी होम साइंस की, जिसका कट ऑफ कितना रहा है, तो यहाँ पर आपका कट ऑफ देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो आपका जनरल कैटेगरी में कट ऑफ था कितना था, 357 पे फर्स्ट रैंक, इस पर काउंसलिंग कॉल भेजा गया है। 149 पे 198 रैंक, इस पर भी काउंसलिंग कॉल भेजी गई है। अब ओबीसी की बात कर लेते हैं, तो ओबीसी कैटेगरी में आपका 273 पे फर्स्ट रैंक, इस पर जो है काउंसलिंग कॉल भेजा गया है। 149 पे जो है 71st रैंक है, इस पर भी काउंसलिंग कॉल भेजी गई है। एससी की बात कर लेते हैं, तो 252 पे फर्स्ट रैंक एंड 150 पे आपकी 15th रैंक, इस पर जो है काउंसलिंग कॉल भेजी गई है। अब एसटी कैटेगरी की बात कर लेते हैं, 204 पे फर्स्ट रैंक एंड 150 पे जो है 5th रैंक, इस पर जो है काउंसलिंग कॉल भेजा गया है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपका 233 पे 5th रैंक और आपके 152 पे 27th रैंक, इस पे जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में काउंसलिंग कॉल भेजा गया था। क्लियर, तो अपना नाम, अपना जो है नंबर कंपेयर करते रहिएगा। क्लियर, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अब हम लोग बात करेंगे और सब्जेक्ट की, एम ए एम एस सी मैथमेटिक्स का देख लेते हैं। तो एम ए एम एस सी मैथमेटिक्स में जो है कितना आपका कट ऑफ किया था। ओके, तो जनरल कैटेगरी में 228 पे फर्स्ट रैंक, काउंसलिंग कॉल भेजा गया है। 213 पे जो है 19 मार्क्स, इस पे जो है काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। ओबीसी कैटेगरी में 228 पे जो है आपका फर्स्ट रैंक एंड आपका 213 पे 7th रैंक, इस पे भी काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। एससी कैटेगरी में देख लेते हैं, तो 258 पे फर्स्ट रैंक एंड 214 पे सेकंड रैंक, इस पे काउंसलिंग कॉल भेजी गई है। अब ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर 221 यानी 221 पे सेकंड रैंक, इस पे काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी एंड यहीं तक जो है आपकी काउंसलिंग कॉल भेजी गई है। तो यहाँ ये है आपका एम ए एम एस सी मैथमेटिक्स। क्लियर, अब बात कर लेते हैं आपके आपके एम ए साइकोलॉजी और एम ए एम एस सी साइकोलॉजी का, कि इस सब्जेक्ट में आपका कितना जो है कट ऑफ गया था। तो एम ए एम एस सी साइकोलॉजी की बात करेंगे, तो यहाँ पर याद रखना कि 401 मार्क्स पे जनरल कैटेगरी में आपका जो है फर्स्ट रैंक था और आपका 234 पे 505 रैंक थी। ठीक है, ओबीसी की बात कर लेते हैं, तो इस पे इतने रैंक को कॉल भेजा गया था। ओबीसी की बात कर लेते हैं, तो 324 मार्क्स पे फर्स्ट रैंक एंड 234 मार्क्स पे 95 यहाँ तक काउंसलिंग कॉल आपके ओबीसी में भेजा गया था। एससी में रैंक देख लेते हैं, रैंक मतलब उसमें मार्क्स और रैंकिंग देख लेते हैं, तो एससी में आपका 327 मार्क्स फर्स्ट रैंक, इस पे काउंसलिंग कॉल भेजा गया था एंड 238 मार्क्स, इस पे जो है काउंसलिंग कॉल भेजा गया था। एसटी में देख लेते हैं, तो 274 मार्क्स पे फर्स्ट रैंक एंड 257 पे थर्ड रैंक यहाँ तक काउंसलिंग कॉल भेजा गया था। बीडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात कर लेते हैं, तो 339 पे सेकंड रैंक एंड 274 पे 21st रैंक पे जो है आपकी काउंसलिंग कॉल भेजी गई है फॉर एम एस सी एम ए साइकोलॉजी के लिए। अब हम बात करेंगे एम ए एम एस सी स्टैट्स की, तो यहाँ पर कितने जो है नंबर पे काउंसलिंग कॉल भेजा गया था और हाईएस्ट कितना था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 286 पे फर्स्ट रैंक थी, 184 पे जो है 149th रैंक थी, यहाँ पर काउंसलिंग कॉल भेजा गया था। ओबीसी में 237 पे फर्स्ट रैंक थी और 184 पे जो है 28th रैंक थी, यहाँ पर भी काउंसलिंग कॉल भेजी गई है। एससी की बात कर लेते हैं, तो 216 पे फर्स्ट रैंक, 208 पे थर्ड रैंक, तो यहाँ पर जो है एससी कैटेगरी में काउंसलिंग कॉल भेजा गया था। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, 282 पे फर्स्ट रैंक था और 202 पे 23 रैंक थी, तो इतने लोग का सीट तो यार कन्फर्म है, पर इसके नीचे भी हम थोड़ा सा आएंगे क्योंकि ये जो कट ऑफ है वो जो है और भी इसमें चीज़ें इंक्लूड होगा, क्योंकि बहुत लो कट ऑफ गया है इस बार इसमें आपके स्टैट्स में। तो 178 पे 25th रैंक है, कंफर्म एडमिशन हुआ होगा। 126 पे 46th रैंक, यहाँ पर भी एडमिशन कंफर्म हुआ होगा। ईडब्ल्यूएस रैंक की बात कर लेते, तो 174 पे 37th रैंक एंड 127 पे 74th रैंक, यहाँ पर भी एडमिशन पक्का हुआ होगा। तो यहाँ पर स्टैट्स की देखा, तो स्टैट्स में काफ़ी लो कट ऑफ गया था। क्लियर, तो अगर हम कट ऑफ की बात कर लेंगे एमकॉम की, एमकॉम की कट ऑफ कितना गया था आपके 2021 में बीएचयू में, तो 395 पे फर्स्ट रैंक, ठीक है, 395 पे फर्स्ट रैंक एंड 247 पे आपका 561th रैंक, ठीक है, यहाँ पर ये जो है एडमिशन हुआ होगा। पर थोड़ा सा लो वाले में कम चांसेस है, पर अफिलिएटेड में गर्ल्स का तो ज़रूर हुआ होगा।
62 पे फर्स्ट रैंक है, ओबीसी में एडमिशन हुआ होगा। 247 पे 204th रैंक है ओबीसी कैटेगरी में। एससी की बात कर लेते हैं तो 328 पे फर्स्ट रैंक है एंड आपका 249 पे 26th रैंक है, यहाँ पर भी एडमिशन हुआ होगा। और आपकी एसटी कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो 314 में फर्स्ट रैंक और आपके 250 में 5th रैंक पे एडमिशन हुआ होगा। अब बात करेंगे यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, तो 383 पे फर्स्ट रैंक था, एडमिशन हुआ होगा। पर यहाँ पर थोड़ा कम चांसेस होता है क्योंकि 248 पे काउंसलिंग कॉल तो गई है पर पेड सीट के लिए यहाँ पर हुआ होगा। तो ये जो है आपके एमकॉम का था, क्लियर। अब जो है आगे हम लोग और देख लेते हैं मास्टर्स इन लाइब्रेरियन, इसका देख लेते हैं, ठीक है। इसमें कितना कट ऑफ गया था, तो 339 पे फर्स्ट रैंक जनरल कैटेगरी में और 229 तक जो है काउंसलिंग कॉल भेजा गया था, 120th रैंक थी। ओबीसी की बात कर लेते हैं तो 325 पे फर्स्ट रैंक एंड 229 पे 53rd रैंक, इस पर भी काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। एससी की बात कर लेते हैं तो 320 पे फर्स्ट रैंक एंड 248 पे 4th रैंक, इस पर जो है काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। एसटी की बात करते हैं तो 248 पे फर्स्ट रैंक एंड आपकी 248 पे फर्स्ट रैंक थी, यहाँ तक आपकी काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। तो आप लोग इससे अपना एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो निकाल ही सकते हो। अब बात करेंगे ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में 337 पे सेकंड रैंक एंड 233 पे 40th रैंक, यहाँ पर जो है काउंसलिंग कॉल भेजा गया था, ठीक है। तो ये आपके मास्टर्स इन लाइब्रेरियन का कट ऑफ है। तो एमए एनर्जी इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं, कुछ लोग जो है इसको फिल करते हैं। अब एमए इकोनॉमिक्स का तो मैंने डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है, हमें एमए एनर्जी इकोनॉमिक्स का कितना गया था, तो यहाँ पर 313 पे फर्स्ट रैंक थी और 46 पे 95th। तो यहाँ पर याद रखना कि लो मार्क्स भी होगा तो एडमिशन हो जाता है एनर्जी इकोनॉमिक्स में। ओबीसी रैंक की बात कर लेते हैं तो 313 पे फर्स्ट रैंक एंड 46 पे 28th रैंक थी, यहाँ पर एडमिशन हुआ होगा। 197 पे एससी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक एंड 103 पे 9th रैंक, यहाँ पर एडमिशन हुआ होगा। एससी कैटेगरी में जो है 168 पे फर्स्ट रैंक एंड 120 पे 3rd रैंक है, एडमिशन तो कंफर्म है इसमें। AWS की बात कर लेते हैं तो 267 पे 3rd रैंक एडमिशन है हुआ होगा एंड 136 पे 17th रैंक। तो ये एम एनर्जी इकोनॉमिक्स है। अगर आपको ये कट ऑफ का वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग और भी कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, तो हम और भी सारे सब्जेक्ट का कट ऑफ आपको ला के देंगे। तो आप लोग जुड़े रहिएगा, और आज हम लोग JNU के भी सारे सब्जेक्ट के कट ऑफ का डिस्कशन करेंगे। तो जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिएगा, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम BHU के पिछले साल के जो कट ऑफ्स थे उसको देखेंगे, कुछ जो सब्जेक्ट बच गए थे। तो आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, अपने कट ऑफ को देख लीजिए और जो है ये देख लीजिए कि इस साल कितना जा सकता है, तो सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा। तो याद रखिएगा कि हम जो है स्टार्ट करेंगे आपके MSc, ठीक है, MSc से, क्योंकि जो है MSc वालों का कमेंट आया था कि जो है आप हमारे लिए भी मतलब बता दीजिए कि कट ऑफ कितना रहा है। तो आइए देखते हैं, आपके MSc से स्टार्ट करेंगे। MSc जो है आपका, वेट एक मिनट बता दे रही हूँ कौन से स्टार्ट करते हैं। हाँ, आपका MSc AG एग्रोफॉरेस्ट्री से, क्लियर। तो MSc AG एग्रोफॉरेस्ट्री में कितना कट ऑफ गया था उसको देख लेते हैं। ओके, तो MSc AG एग्रोफॉरेस्ट्री में आपका जो फर्स्ट रैंक था वो 340 पे था, जिसपे काउंसलिंग कॉल भेजा गया था, और जनरल कैटेगरी में 197 पे 98 रैंक थी, यहाँ तक भी काउंसलिंग कॉल भेजा गया था। ओबीसी की बात कर लेते हैं तो 304 पे आपका फर्स्ट रैंक था, इस पर काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। 197 पे 34 रैंक है, यहाँ पर भी काउंसलिंग कॉल आपको भेजा गया था। बात कर लेते हैं ऐसी कैटेगरी की, 260 पे फर्स्ट रैंक थी, इस पर काउंसलिंग कॉल भेजा गया था। 198 पे जो है 13th रैंक थी, यहाँ पर भी आपकी काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। अब एसटी की बात कर लेते हैं तो 220 पे फर्स्ट रैंक थी, यहाँ पर काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी, और 205 पे 4th रैंक थी, यहाँ पर भी काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी, ठीक है। तो ये आपका आपके एससी एसटी और ओबीसी का हो गया। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, तो 188 पे 16th रैंक थी, काउंसलिंग कॉल भेजा गया था और हुआ भी होगा, और 115 पे 31st रैंक थी, यहाँ पर आपकी काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हम जो कट ऑफ देखेंगे वो MSc बॉटनी का है, उसका देख लेते हैं कट ऑफ। ओके, तो इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। चलिए, तो यहाँ पर जो MSc आपके बॉटनी का था, 343 पे फर्स्ट रैंक थी, ठीक है, 234 पे 104 रैंक थी। तो इस रैंक पे तो कम चांसेस थे, पर यहाँ पर जो है आपके जनरल कैटेगरी का ये आपका स्कोर था जो कि हाईएस्ट कितना गया था, 343। ओबीसी की बात कर लेते हैं तो 337 पे फर्स्ट रैंक थी और 234 पे 31st रैंक थी आपके MSc बॉटनी में।
एससी की बात कर लेते हैं तो 273 पे फर्स्ट रैंक थी और 241 पे सिक्स रैंक थी, जिस पे कि काउंसलिंग कॉल भेजा गया था। अब बात कर लेते हैं आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 291 पे सेकंड रैंक थी, यहाँ पर काउंसलिंग कॉल भेजा गया था, एंड 245 पे ट्वेल्थ रैंक थी, यहाँ पर आपकी काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। ठीक है, और भी आगे आपका बहुत सारा रैंक और कट ऑफ आता है, तो उसके बारे में हम लोग कभी और डिस्कस कर लेंगे। तो ये आपके एमएससी बॉटनी का था। एमएससी केमिस्ट्री का देख लेते हैं, तो एमएससी केमिस्ट्री में जो है कितना आपका कट ऑफ गया है, तो जनरल कैटेगरी में आपका 317 पे फर्स्ट रैंक था बीएचयू में, और 181 पे आपका 190 रैंक थी, जो कि जनरल कैटेगरी में भेजा गया था काउंसलिंग कॉल। ओबीसी की बात कर लेते हैं, तो 260 पे फर्स्ट रैंक, यहाँ पर काउंसलिंग कॉल भेजी गई है, 181 पे 55 रैंक थी, यहाँ पर काउंसलिंग कॉल भेजा गया था। एससी की बात कर लेते हैं, तो 201 पे फर्स्ट रैंक थी और 182 पे जो है फोर्थ रैंक थी, यहाँ पर काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी, एंड 197 पे फर्स्ट रैंक है एसटी कैटेगरी में, और 197 पे फर्स्ट रैंक पर यहाँ तक काउंसलिंग कॉल भेजा गया था। अब बात करेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपकी 317 पे फर्स्ट रैंक थी, यहाँ पर काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी, 118 पे 35 रैंक थी, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपके एमएससी केमिस्ट्री में भेजा गया था। अब हम बात करेंगे एमएससी कंप्यूटर साइंस की, तो इसमें कितने रैंक पे काउंसलिंग कॉल भेजा गया था, तो एमएससी कंप्यूटर साइंस में 310 पे फर्स्ट रैंक थी और 84 पे 150 रैंक थी, जहाँ पर की काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। 206 पे ओबीसी कैटेगरी में आपके फर्स्ट रैंक थी एंड 84 पे 30 रैंक थी, तो यहाँ पर जो है काउंसलिंग कॉल भेजा गया था। एससी कैटेगरी की बात कर लेते हैं, तो 196 पे फर्स्ट रैंक थी और 84 पे 14th रैंक थी, यहाँ पर भी काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी फॉर एससी कैटेगरी। 171 पे आपका फर्स्ट रैंक था और 92 पे 6th रैंक थी, यहाँ पर भी आपकी काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी फॉर जो है एसटी कैटेगरी। ओके, ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं, तो 162 पे आपका सेकंड रैंक एंड 162 पे सेकेंड रैंक, यहाँ तक आपकी काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी फॉर जो है आपके एमएससी कंप्यूटर साइंस। नेक्स्ट देख लेते हैं, एमएससी जियोलॉजी की बात कर लेते हैं, तो कितना कट ऑफ गया था आपके एमएससी जियोलॉजी में, तो एमएससी जियोलॉजी में जो है 358 पे फर्स्ट रैंक थी, 258 पे 74 रैंक पे जनरल कैटेगरी में जो है काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी, 334 मार्क्स पे फर्स्ट रैंक थी और 258 मार्क्स पे ट्वेल्थ रैंक थी, ओबीसी कैटेगरी में आपकी काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। एससी में देख लेते हैं, तो 287 पे फर्स्ट रैंक थी और 265 पे तो है थर्ड रैंक थी, यहाँ पर भी आपकी काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एसटी कैटेगरी में, तो 270 मार्क्स पे फर्स्ट रैंक थी एंड 270 मार्क्स पे आपकी फर्स्ट रैंक थी, यहाँ पर भी काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं, तो 351 पे फर्स्ट रैंक थी एंड 283 पे सिक्स्थ रैंक थी, यहाँ पर भी आपकी काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। तो ये जो है आपका एमएससी जियोलॉजी का कट ऑफ है। एमएससी फिजिक्स का कट ऑफ देख लेते हैं, तो एमएससी फिजिक्स के कट ऑफ के लिए कितना जो है आपका हाईएस्ट स्कोर गया था, तो 307 पे फर्स्ट रैंक थी जनरल कैटेगरी में, इस पर काउंसलिंग कॉल भेजा गया था, 223 पे 117 रैंक थी, हुआ तो नहीं होगा पर काउंसलिंग कॉल भेजा गया था। ओबीसी रैंक की बात कर लेते हैं, तो 288 पे फर्स्ट रैंक थी एंड 223 पे 35 रैंक थी, यहाँ तक काउंसलिंग कॉल आपके भेजा गया था। अब एससी कैटेगरी की बात कर लेते हैं, तो 251 पे फर्स्ट रैंक थी, 251 पे फर्स्ट रैंक थी, यहाँ पर आपकी काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे, तो 281 पे फर्स्ट रैंक थी और 223 पे 20 रैंक थी, यहाँ तक आपकी काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। ओके, तो ये जो है आपके एमएससी फिजिक्स का है। नेक्स्ट हमारा जो कट ऑफ है वो आपके एमएससी जियोलॉजी का है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं कि कितना हाईएस्ट क्या था, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 348 पे फर्स्ट रैंक था और 249 पे 99 रैंक थी, यहाँ तक आपकी काउंसलिंग कॉल इन जनरल कैटेगरी भेजा गया था। ओबीसी की बात करेंगे, तो 330 पे फर्स्ट रैंक थी एंड 250 पे 31st रैंक थी, यहाँ तक आपकी काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। एससी कैटेगरी की बात कर लेते, तो 262 पे फर्स्ट रैंक थी, 250 पे थर्ड रैंक थी, यहाँ तक काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो 271 पे फिफ्थ रैंक थी और 271 पे फिफ्थ रैंक थी, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए काउंसलिंग कॉल भेजा गया था। तो ये एमएससी जियोलॉजी का है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, एमएससी एग्री बिजनेस का देख लेते हैं आपके, सॉरी एमबीए एग्री बिजनेस है। ठीक है, एमबीए एग्री बिजनेस का कितना कट ऑफ गया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 336 पे फर्स्ट रैंक थी और 222 पे जो है 120 रैंक थी, यहाँ पर एग्री बिजनेस के लिए काउंसलिंग कॉल भेजा गया। ओबीसी में देख लेते हैं, तो 313 पे फर्स्ट रैंक थी एंड 222 पे आपका 42 रैंक था, तो यहाँ पर आपकी काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। फॉर एससी कैटेगरी देख लेते हैं, तो 248 पे आपकी फर्स्ट रैंक थी और 225 पे फिफ्थ रैंक थी, यहाँ पर भी काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। एसटी के लिए देख लेते हैं, तो 224 पे फर्स्ट रैंक थी और 224 पे आपके फर्स्ट रैंक थी, यहाँ पर भी आपकी काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो आपके
255 पे 7th रैंक थी और 237 पे 12th रैंक थी। यहाँ पर भी आपकी काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। तो ये आपके MBA एग्री बिजनेस का जो है आपका कट ऑफ था। तो MCA का कट ऑफ देख लेते हैं कि कितना गया था आपके BHU में। अगर हम बात करेंगे आपके MCA की, तो 371 पे फर्स्ट रैंक थी, 192 पे 275 रैंक थी। यहाँ पर आपकी काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। OBC की बात कर लेते तो 371 पे फर्स्ट रैंक एंड 192 पे 113th रैंक थी। यहाँ पर भी काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। 323 पे फर्स्ट रैंक थी एंड 196 पे 6th रैंक थी। यहाँ पर भी आपकी काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। ST कैटेगरी की बात कर लेते तो 232 पे फर्स्ट रैंक थी और 232 पे फर्स्ट रैंक थी। यहाँ पर भी आपकी काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। और EWS में 211 पे 34th रैंक और 211 34th रैंक पे जो है काउंसलिंग कॉल भेजा गया था। ये MCA का है, ठीक है। आप लोग कट ऑफ देख लीजिए एक बार, और नीचे भी आपका और भी कट ऑफ देखे गया हुआ है, इसको भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग अपना जो है कट ऑफ देख सकते हैं। अगर हम बात करेंगे MBA रिस्क इंश्योरेंस, MBA फाइनेंस मैनेजमेंट एंड MBA इन फॉरेन ट्रेड, तो इसमें जो है कितना कट ऑफ क्या था, तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो 392 पे फर्स्ट रैंक थी और 285 पे 248th रैंक थी। यहाँ पर आपकी काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। OBC की बात कर लेते हैं तो 383 पे फर्स्ट रैंक थी और 285 पे जो है 71st रैंक थी। यहाँ पर भी काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। 327 पे फर्स्ट रैंक थी फॉर SC कैटेगरी एंड 293 पे 7th रैंक थी। यहाँ पर भी काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। ST कैटेगरी की बात करेंगे तो 288 पे फर्स्ट रैंक था और 288 पे फर्स्ट रैंक था। यहाँ पर भी आपकी काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। अब बात करेंगे आपके EWS कैटेगरी में, तो EWS कैटेगरी में 376 पे थर्ड रैंक एंड 285 पे 63rd रैंक था। तो इसमें भी आपकी काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। ये आपकी जो है MBA फॉरेन स्पेशलाइजेशन और ये सारी चीज़ों में है, तो आप लोग इसका भी कट ऑफ देख लीजिए। MA एजुकेशन का कट ऑफ देख लेते हैं BHU का। तो पिछले साल का MA एजुकेशन का जो कट ऑफ था 269 पे फर्स्ट रैंक था और 19 मार्क्स पे 220 रैंक थी। तो यहाँ पर आपकी काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। OBC की बात कर लेते हैं तो 252 पे फर्स्ट रैंक एंड 19 पे 100 रैंक। यहाँ पर भी आपकी काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। 245 पे फर्स्ट रैंक फॉर SC कैटेगरी एंड 22 मार्क्स पे 28th रैंक थी फॉर SC कैटेगरी। तो आपका एडमिशन हुआ है। ST कैटेगरी में बात कर लेते तो 245 पे आपकी फर्स्ट रैंक एंड 20 पे आपकी 13th रैंक। तो यहाँ पर जो है आपकी काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। EWS कैटेगरी में देख लेते हैं तो EWS कैटेगरी में 255 पे फर्स्ट रैंक एंड 74 पे आपकी 30th रैंक थी। यहाँ पर जो है आपकी काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी, ठीक है। MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो है कट ऑफ देख लेते हैं। तो MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो कट ऑफ था वो आपका 350 पे फर्स्ट रैंक एंड 200 पे 200 रैंक थी आपकी। तो यहाँ पर आपकी काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। OBC में 350 पे फर्स्ट रैंक एंड 201 पे 78th रैंक। यहाँ पर भी काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। SC कैटेगरी में देख लेते तो 266 पे फर्स्ट रैंक एंड 200 पे 12th रैंक। यहाँ पर काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। ST कैटेगरी में देख लेते तो 221 पे फर्स्ट रैंक एंड 221 पे फर्स्ट रैंक। यहाँ पर भी काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। अब EWS का देख लेते हैं तो EWS कैटेगरी में आपकी 330 पे फर्स्ट रैंक एंड 217 पे 29th रैंक। यहाँ पर भी आपकी काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कट ऑफ। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट कट ऑफ थे। और भी आपको लगता है कि और भी कट ऑफ आप मुझे बताना चाहिए तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जुड़े रहिएगा काउंसलिंग तक और अपने एडमिशन तक हमारे चैनल से। हम लगातार आपको अपडेट्स देते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि किस तरीके से आपको अपने काउंसलिंग का प्रोसीजर करना है। तो जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।